छतरपुर जिले में बन रहे बहुचर्चित एवं विवादास्पद फ्लाईओवर के संबंध में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आश्वासन दिया कि इसका फिर से सर्वे कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष से उन्हें इस बारे में सूचित कराने को कहा है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज देर शाम नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति सुरेंद्र चौरसिया के घर पहुंचे, जहां उनका व्यापारियों ने स्वागत किया एवं फ्लाईओवर को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने बताया कि यह फ्लाईओवर जब स्वीकृत हुआ तब रिंग रोड बाईपास स्वीकृत नहीं हुआ था, परंतु अब जब बाईपास स्वीकृत हो चुका है तो शहर में फ्लाईओवर की आवश्यकता नहीं रह जाती। नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति सुरेंद्र चौरसिया ने भी बताया कि नगर पालिका में पार्षदों ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें शहर में यदि बाईपास बनाया जा रहा है तो अब फ्लाईओवर की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने आश्वासन दिया कि इसका फिर से सर्वे कराकर नगर पालिका अध्यक्ष हमें सूचित करें। आज तुमको आना था यार, अंदर आ करो, आप बैठ जरा, दो मिनट बिना बताया जाए करो, दो मिनट। हाँ बताओ, एक मिनट, जैसे पहुंचो सामने दीदी, सर उदयपुर के किसी भी जनप्रतिनिधि ने इसकी मांग नहीं की, कलेक्टर के प्रपोजल पर ही अप्रूव हुआ, ये कलेक्टर का दायित्व से राय मांगी यहाँ से सबको प्रभावित करेगा और इसी शहर को बना दीजिए। इसके बजाय अगर सागर रोड में नौगांव रोड रिंग रोड जोड़ दिया जाए तो बहुत हो जाएगा। एक बार जरा गांव अध्यक्ष जी, आप लोग जरा सभी प्रमुखों से बार बात करके मुझे बताइए। अच्छा, पार्षद ने तो नगर पालिका परिषद उनका पूछ कर चुकी है, शंकर पार्क का एक बार इस पर मुझे कहीं से कुछ पूछा गया जी, निवेदन जवाब से पूछा गया भाई साहब, हम भगवत का गुराल हैं, जैसा संघ पहले जैसा संघ होटल से आप हमारे यहाँ अभी है और महाराजा छत्रसाल स्मृति सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष भी है, पूर्व अध्यक्ष भी है, आपसे निवेदन है थोड़ा सा। और उन्होंने यह भी कहा है कि यह प्रस्ताव किसने बनाकर भेजा है, जब जनप्रतिनिधियों ने मांग नहीं की है तो किसने मांग की। उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष मिंटू पंडा से इसके बारे में चर्चा कर बताने की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष के साथ खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए चैनल हेड शिप्रा पहाड़िया की रिपोर्ट।